मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज दो पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस पोर्टल पर किसान एवं पशुपालक अपनी शिकायत और ज़रूरतों को दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर विभाग के सचिव से लेकर सभी बड़े अधिकारी भी जुड़े होंगे, जिससे किसानों को अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण में सहायता मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के समय हर व्यक्ति इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ा है। बावजूद इसके, अगर किसानों को पोर्टल से जुड़ने में समस्या आती है तो विभाग से जुड़ी एनजीओ और इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वह किसानों से जुड़ने में सहायता कर सकेंगे। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, आज के दिन हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और वेब दूसरे दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही इस लेवल के फार्मर हैं जिनको फ़ोन ऑपरेट करना या पोर्टल चलाना नहीं आता है। और स्पेशल एक ट्रेनिंग हम अपने जितने भी LEOs हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के, और जो हमारे फिश इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए भी रखी जाएगी, ताकि उन लोगों के माध्यम से हम अपने फार्मर्स को जो है बेनिफिट पहुँचाएंगे। वो जाके घर घर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उनको समझाया जाएगा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और होर्डिंग्स के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 3,000 हमारे पास लगभग फार्मर्स ऐसे हैं जो फिशरीज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा एक नंबर नहीं है। और उसी के साथ साथ लगभग जो हमारे गोट वैली का प्रोजेक्ट है, उसमें आज के दिन हमारे पास 2,000 बेनिफिशरीज़ हैं और हर साल हमको 1,000 बेनिफिशरी ऐड करना है। तो नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। धीरे धीरे अगर हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, थोड़ी बहुत समस्या स्टार्टिंग में हो सकता आए, लेकिन एक सरलीकरण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जिससे कि आज हमको समय के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसको देखते हुए हमने ये दोनों पोर्टल्स लॉन्च किए। एक अच्छी पहल है, लेकिन